ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रही है। इसके दायरे में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। इस पर राजनीति अपने चरम पर है। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके घोर विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं। ईडी आज सीबीआई से अधिक चर्चा में है। कुछ समय पहले तक सीबीआई की चर्चा खूब होती थी, लेकिन अब ईडी की चर्चा होती है। ईडी ने जहां कहीं भी हाथ डाला है उसके हाथ खाली नहीं रहे हैं। झारखंड हो या पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र, ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है। देश में भ्रष्टाचार के मामले परत दर परत खुल रहे हैं, पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो रही है। कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बीजेपी मजा ले रही है। उसका कहना है कि ईडी स्वतंत्र तरीके से काम करती है, उसके हाथ लंबे ही नहीं मजबूत भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो यह और भी सशक्त संस्था बन चुकी है। वाल है यार, और सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय आ गया ईडी के पक्ष में। ईडी का जो जिनको जिन विषयों पर, जिन पेचीदगियों पर, जिन कानूनों पर, जिन अनुच्छेदों पर उनको चर्चा करना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया है। ईडी को अधिकार संपन्न बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ये भी चीजें आ गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसलिए ईडी अपना कार्रवाई करे, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन भ्रष्टाचारी छूटे नहीं। आप जहां पर ईडी हाथ डालता है पैसे निकल रहे, बंगाल देख लीजिए, झारखंड में आप सबको ही जानते हैं, 30-30 करोड़ रुपए की एक एक जहाज निकल रही है, अवैध खरीद की गई है, 20-20 करोड़ रुपए सरकारी अधिकारियों और दलाल और कलालियों के यहाँ से निकल रही, दलालों के यहाँ से निकल रही। अगर माल निकल रहा है तो फिर ईडी की कार्य प्रणाली पर बीजेपी के विरोधियों का तंज हमेशा से रहा है, लेकिन मामलों में खुलासे के बाद उन्हें बोलने में थोड़ी परेशानी जरूर होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते हैं कि ईडी की इधर से गतिविधियां बढ़ी हैं। देखना होगा कि इसकी कोर्ट में कन्विक्शन रेट क्या रहती है। अभी तक का जो कन्विक्शन रेट है ईडी का, वो तो सिंगल डिजिट में ही है, परसेंटेज आप यदि देख लीजिएगा तो। हमको नहीं लगता है कि इसका बहुत, हाँ ठीक है, इससे लोगों के बीच में डेंटिंग का काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या आगे के दिनों में अदालत का क्या रुख रहता है, क्योंकि बहुत सारी केसेस अब जुरिडिक्शन के अंदर जांच में आ गई, तो आगे इस पर हम लोग को नज़र रखना है। और ईडी के पीछे का भी जो उनका अपना क्या तरीका है, कहाँ से इनपुट है, हमको लगता है कि जब इनपुट होता है उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी धीरे धीरे। ईडी ने झारखंड में कई लोगों को पकड़ा है, अवैध तरीके से जमा राशि को जब्त किया है, आईएएस अधिकारी भी पकड़े गए हैं, कई और लोग भी जांच के दायरे में हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।